क्या हो गया? अब नहीं करूंगा भाई। तो बाबू बोल क्या अब हो गया? नहीं करूंगा भाई। बोलो क्या हो गया? क्या हो गया भाई? तू होता है इसकी लाइफ खराब करने का। इधर देख के बात कर सारा जुल्फिकार मनाऊं तुझे अभी है। नीचे बैठ, नीचे बैठ, मार मार के सैंडल साड़ेगे भाई। अब नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त अमन बैनीवाल। दोस्तों मेरे साथ में आज मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी का मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था, तो मीनाक्षी जी आपने तो मुझे बताया था, मेरे व्यूअर्स को बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है। नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरी लाइफ में। मैं कुछ टाइम पहले मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, जिसको रिपेयर करने के लिए मैंने मोबाइल की शॉप पे दिया था। अच्छा। वहाँ पे एक आर्य नाम का लड़का है, उसके दो दिन बाद ही मुझे वो कॉल करने लग गया। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, तो उसने मुझे मतलब मेरे जो पर्सनल फ़ोटोज़ थे मेरे हस्बैंड के साथ, जो मेरी रिसेंटली शादी हुई है तो हम हनीमून पे गए थे, उसके जो हमारी फ़ोटोज़ थे वो फ़ोटोज़ उसने हमारे फ़ोन से निकाल ली है। अब वो मुझे उस चीज़ को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे। और वो मुझे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मुझे अच्छी लगती हो, मेरे साथ रिलेशन में आओ, मेरे साथ घूमने चलो, ये वो दिस दैट, मतलब बहुत कुछ बोलता है मुझे। और मैं उसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। वो मुझे कभी भी फ़ोन कर लेता है, कभी भी मैसेज कर देता है, मुझे बहुत गंदा लगता है वो इंसान। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया इस बारे में। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अमन, आपका बताया कि आप आपसे बात करने के लिए। तो मैंने अमन भाई आपको मैंने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, तो अपनी प्रॉब्लम्स बताई आपको कि ताकि मुझे कोई सॉल्यूशन मिल सके और मैं उस लड़के को उसको सबक सिखा सकूं। अच्छा, तो जितना मुझे समझ आया है कि आपका कुछ टाइम पहले फ़ोन ख़राब हो गया था और आपने अपना फ़ोन रिपेयर शॉप पे दिया ठीक करने के लिए, तो वो जो लड़का काम करता है उसने आपके फ़ोन से डाटा निकाल लिया आपका, मतलब आपकी जो आपकी हनीमून की पर्सनल फोटोज थी वो निकाल के आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तो क्या करने के लिए कह रहा है ब्लैकमेल के बाद? पैसे मांग रहा है क्या? क्या नहीं, पैसे नहीं मांग रहा वो मुझसे, मेरे से रिलेशन में आना चाहता है और मुझे बोलता है कि मेरे साथ घूमने चलो, पार्टी करने चलो, क्लब चलो। तो मैं तो मैरिड हूँ, मैं तो जा ही नहीं सकती, मैं क्यों जाऊँ किसी के साथ? मतलब आपसे गलत बातें बोलता है? हाँ, गलत, इनडायरेक्टली मतलब बहुत गलत गलत बातें बोलता है वो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे साथ कोई इस तरीके से बात करे। एक काम करो, आप उसको कॉल करो ठीक है, और यहाँ की लोकेशन उसको सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, बोलो मैं तुझसे मिलने के लिए तैयार हूँ। फ़ोन करो आप उसको ठीक है, कॉल करो और स्पीकर पर डाल देना जो अपना फ़ोन है। हेलो। हेलो, हाँ आर्यन, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। हाँ, मुझे लग ही रहा था आप कॉल करोगे, आप जरूर करोगे, लेकिन बड़ी देर लगा दी आपने कॉल करने में यार। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम मुझसे मिलने के लिए बोल रहे थे ना? मैं हाँ? तुम्हें एक एड्रेस सेंड करती हूँ, तुम उस लोकेशन पे आ जाओ। लोकेशन पे क्यों बाबू, मैं आपकी गली में आ जाता हूँ, वहीं से पिक कर लूँगा, फिर आपको सीधा वहीं से आ जाएंगे। नहीं नहीं, वैसे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तुम्हें पता तो है कि मैं मैरिड हूँ, मैं ऐसे नहीं आ सकती ना तुम्हारे साथ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं वहीं आ जाता हूँ तुरंत आपके पास। ओके ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आप आ जाओ। ओके, बस अभी आया मैं। ओके, देखा आपने किस तरीके से बात कर रहा था ना अभी मेरे साथ। कोई बात नहीं, आप इसको व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड करो और यहाँ पे बुलाओ, फिर इसकी रिपेयरिंग हम करते हैं ठीक है। हाय, कैसे हो? अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर तुम पहले दूर होकर बात करो मुझसे ठीक है। मैं तुमसे बस इतना बात करना चाहती हूँ कि हाँ। मेरे जो भी फोटोज है ना तुम डिलीट कर दो। डिलीट कर दो? हाँ, अभी पे डिलीट करने को बुलाया तुम। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं घर पे तुमसे तो चिल्ला चिल्ला के बात नहीं कर सकता। करके आया हूं डिलीट करने के लिए, थोड़ी आया हूं मैं यहां पे। मेरी प्रॉब्लम ही तो समझो ना कि मैं तो दिन से डिप्रेशन में जी रही हूं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, मैं डिलीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो पहले कह रहा हूं वो करो। मैं नहीं कर सकती, तुम क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? मेरी अभी अभी शादी हुई है, मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सब मैं नहीं सुनना चाहता, ये सब मैं नहीं सुनना चाहता, सिंपल सी बात। प्लीज ऐसा मत करो, आप दिमाग मत खराब करो, प्लीज मेरी बात सुनो, आप उसे क्या मिलेगा, आप उसे क्या मिलेगा? मैं जस्ट अपना फोन रिपेयर कराने आई थी आपके यहाँ, मतलब मैंने गलती कर दी आपके यहाँ आकर के रिपेयर करवा कर। मैं तुम्हें पहले से नोटिस कर रहा था ये सारी चीजें और मुझे आप अच्छे लगते हो, आप उसके बीच में आपकी शादी हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए था ना, लेकिन अब तो मेरी शादी हो चुकी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल हूँ, मैं उनको कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ। देखो, मैं वहाँ से आपके लिए दुकान बंद करके आया हूँ, शॉप बंद करके आया हूँ और सारे काम छोड़ के आपके पास आया हूँ, तो डिलीट करने के लिए नहीं आया। डिलीट जब होगी जब आप मेरे साथ चलोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप डिलीट कर दो, प्लीज मेरी बात समझो। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा तभी होगी डिलीट, उसके बाद मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा, क्लिक कर दूंगा अभी दो मिनट में ज्यादा। प्लीज 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 ऐसा मत करो, आप प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज आप मेरी बात सुनो, ऐसा मत तो करो। फिर मेरे साथ चल लो,
आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैं आपको कितने दिन से ये बात समझा रही हूँ कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसे आप मुझे समझ रहे हो। मुझे ये सब नहीं सुनना। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसे आप समझते हो मुझे। मैं सब नहीं कर सकती हूँ। आप नहीं हो तो क्या हो गया? मैं कौन सा कह रहा हूँ आप हो? आपको सिर्फ एक छोटा सा काम बोला है वो करो, वरना मैं एक सेकंड लगेगा क्लिक कर दूंगा। प्लीज डिलीट कर दो। मैं नहीं डिलीट करूंगा। पहले आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा तभी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज चलो। नहीं, पहले आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं प्लीज, आप इसे मेरा दिमाग मत खराब करो। प्लीज प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। प्लीज मैं आपसे बहुत मिन्नत कर रही हूँ। प्लीज मैं कर दूंगा फिर। फोन से वीडियो डिलीट करने ही कह रहा भाई। इन्होंने मेरी पर्सनल फोटोज निकाल रखी है। ये किसे बुला रखा है तुमने? इन्होंने भैया मेरी पर्सनल, हाँ बुला रखा है। इन्होंने मेरी पर्सनल फोटोज ले रखी है, आप वो डिलीट नहीं कर रखा है। किसे बुला रखा है? मार कैसे रहा? बैठ इधर। मार कैसे रहा? कौन है ये? कौन है? किसको मारा ही? मैं तो बता, मेरा भाई है वो। कौन है? मेरा भाई है वो। भाई है? हाँ। कैसे आ गया? अब तक तो कोई बात नहीं। इधर देख के बात कर पहले। ये तेरे दुकान पे आई थी फोन ठीक? मैं जस्ट फोन ठीक करवाने गई थी। दुकान है? तूने इसके फोन में से क्या डाटा निकाला है? वो मेरी और इसकी बात है, तू कौन हो? क्या डाटा निकाला है? क्या डाटा निकाला? मार कैसे रहा है तू? क्या डाटा निकाला तूने? जल्दी भौंक, क्या डाटा निकाला है? वो इसकी पर्सनल फोटोज है। क्यों निकाली? क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। इन्हें साला काम धंधे पे ऐसे काम करते हो तुम? है काम धंधे पे ऐसे काम करते हो तुम? शर्म नहीं आती? तो ये बाद में बताऊंगा। बाद में बताऊंगा मुझे क्या बताओगे? मैं जैसे तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इज्जत से बात कर रही हूँ कि मुझे मेरी फोटो डिलीट कर दो। तुम समझ ही नहीं रहे हो, मुझे परेशान किए जा रहे हो। उसका स्पष्ट जवाब दियो मुझे, ठीक है? पिछले 10 दिनों से मैं सो ही नहीं हूँ। सारी लड़कियाँ आती है, तू ऐसे काम करते है? तेरी शॉप पे लड़कियाँ सब, बैठ नीचे, बैठ तुझे खड़ा करूँ, बैठ नीचे, नीचे बैठ ढंग से। तेरे शॉप पे सारी लड़कियाँ आती है, तू ऐसे काम करता है? नहीं है? नहीं। इसलिए दुकान खोली है? नहीं। इसकी फोटोज क्यों निकाली? क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। साढ़े शादीशुदा को पसंद करता है? शादी से पहले पसंद करता हूँ इसे। शादीशुदा को पसंद करता है? घर में माँ बहन है? मैं तब से इनको बोल रही हूँ कि मेरी फोटो डिलीट कर दो, मेरी फोटो डिलीट कर दो, समझ ही नहीं रहे हैं। वजह से अगर कुछ अपने साथ कुछ कर लेती, इतने डिप्रेशन में आ रखी है, तो वो तो जिम्मेदार, तो तुझे मैं बाद में बताऊंगा। है मुझे क्या बताओगे? बता अभी। 10 दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी फोटो डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, बट ये सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। खड़ा होने के लिए बोला, नीचे बैठ, नीचे बैठ, वापसी नीचे बैठ, साला फाड़ दूंगा अभी बीच में से। भाई तू के बीच में आ रहा है? मैं तो आऊंगा बीच में, मेरी बहन है और इसने मुझे हेल्प के लिए बुलाया। तो वो हम दोनों का मैटर है, तू के बीच में आ रहा है। ये मेरी हेल्प के लिए आया, तो समझ में नहीं आ रहा? तुम पागल पागल हो, साइको हो क्या तुम? बहुत देर होगी बेटा, ये ना मुंडी तोड़ने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा, एक मिनट नहीं लगाऊंगा, ठीक है? सॉरी भाई, सारी लड़कियों के साथ ऐसी करता है? नहीं भाई, अब नहीं करूंगा। दुकान पे जितने भी लड़कियां आती हैं सबके साथ ही ऐसी करता है? नहीं भाई। है नहीं भाई। फोटोज कहाँ का सेव है इसकी? इसके फोन में होंगी, इसके लैपटॉप में भी होंगी, सारी डिलीट करवाओ आप प्लीज। फोन कहाँ का सेव है इसकी, बताओ? फोटो कहाँ का सेव है? अभी एक मिनट, मैंने फोटो ले लो अभी। अभी तो बहुत प्यार से बात कर रहा था इससे मैं। फोटो कहाँ का सेव है? इतनी बार बुलवाएगा? फोन में सेव है। फोटो फोन में सेव? फोन इसके पास है, अभी मुझे दिखा रहा है। रुक जा, फोन निकाल, टेबल में मत बात करो। ये फोन टूटेगा, ठीक है मेरे भाई? भाई तू रिपेयर शॉप की दुकान पे है ना? हाँ, फिर से रिपेयर कर लेना। और इसके 1000 टुकड़े करूंगा फिर रिपेयर करके दिखाइयो। नहीं, मत करो भाई, मत करो। और दुकान कहाँ है इसकी? मेरे गली में ही इसकी दुकान है, तभी तो मैंने नजदीक समझ से चली गई। अगर तूने इसकी फोटो डिलीट नहीं करी, नहीं भाई, दिखा के डिलीट कर दूंगा पूरी दुकान, जला दूंगा, डिलीट कर दूंगा सारा, दुकान में बंद करके जला दूंगा तुझे, डिलीट कर दूंगा भाई। हैं? डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा भाई। अब अभी डिलीट करवाओ। तेरी गलती से इसकी शादी को अभी कितने महीने हुए आपकी शादी को? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ मेरी शादी को। 1 साल भी इसकी शादी को नहीं हुआ, अगर इसका रिश्ता टूट जाता तो तू जिम्मेवार होता इसकी लाइफ खराब करने का? है जिम्मेवार तू होता इसकी लाइफ खराब करने का? इधर देख के बात कर साड़ा, जुल्फी खार बनाऊ तुझे अभी? है जुल्फे साड़ा मटका रहा है मेरे सामने। मुझे एक बात बता, अगर इसको कुछ हो जाता, मैंने इतनी मिन्नतें करी हैं इनसे भैया, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी मिन्नतें करी हैं मैंने इनसे। अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। अब नहीं करूंगा का मतलब नहीं, तूने ऐसा करा कैसे इसके साथ? भाई मैं इसे बहुत पसंद करता था इसलिए। हैं? शादीशुदा को पसंद करता है? हैं? सॉरी भाई। सॉरी नहीं, सॉरी मुझे सुननी नहीं अब। सॉरी सुन, तू कह रहा था ना कि मैं सारी बात, मैं इतनी परेशान हुई हूँ ना इससे, इतनी परेशान हुई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपसे कह रहा था कि मैं फोटो डिलीट करने के लिए नहीं आया, मैं तो सुसाइड करने का मन करता था। सुनने के लिए भी नहीं आया तेरी सॉरी सुनने के लिए भी नहीं आया मैं तो सुसाइड करने का मन कर रहा था, जैसे इन्होंने मुझे परेशान कर रखा था। बाप बोलते थे मिलने के लिए आओ, मिलने के लिए आओ। ना करना या तेरा सॉरी बोलना वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, तूने करा ही क्यों इसका जवाब दे पहले, क्यों करा? भाई अब नहीं करूंगा भाई, सॉरी भाई। घर में बहन बेटी हैं?
है, बहन है, उसके साथ कोई ऐसे करे शादी होने के एक साल बाद, इसकी ज़िंदगी तेरी इतनी चीज से ख़राब हो सकती थी। और ये क्या क्या बोलता था आपको, कहाँ कहाँ जाने की बोलता था? पब जाने के लिए, क्लब में चलने के लिए मेरे साथ। अच्छा, तो शादीशुदा ही मिली है तुझे, है? शादीशुदा ही मिली है? मतलब और भी लड़कियां दुनिया में, उनको देखो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हाथ धो करके। शादीशुदा ही मिली है क्या? एंड पब में जाएगा, क्लब में जाएगा। मैंने बोला लड़कियों की कमी नहीं दुनिया में। बोल नहीं रही, होटल का मैंने मैसेज पढ़ा, इसका खड़ा यहीं मार कर सर फोड़ दूंगा तेरा। होटल में लेके जाएगा, सॉरी नहीं, अब तो सॉरी के अलावा तेरे मुंह से कुछ निकल रहा, अब भी तो बोलता ना मेरे भाई। मैं इसकी शक्ल से भी मुझे नफरत हो रही है, मन तो कर रहा है इसको मैं यहीं पे मार डालूं। नहीं बहन चोद, भोली से शक्ल कोई कह नहीं सकता। मन तो कर रहा है मारूं इसको मैं भी, बहुत मारूं, बहुत मारूं, बहुत मारूं इसको मैं, इसे जितना मुझे परेशान किया है। मार इसको, मार, चप्पल उतार, उतार, उतार इसकी सैंडल, उतार। नहीं करूंगा भाई, मार, मार इसको, नहीं करूंगा भाई, मार भाई, मार, मार सैंडल इसके, मार, मार सैंडल, नीचे बैठ, नीचे बैठ भाई, नीचे बैठ, नीचे बैठ, मार, मार इसके सैंडल साड़े के भाई, अब नहीं करूंगा। परेशान करके रख रखा है, डिलीट कर दूंगा भाई इसके। इसका फोन लेके साथ चल रहा हूँ बेटा शॉप पे तेरी। हाँ, आप अभी ये फोन के अभी डिलीट करवाओ और जो बाकी बैकअप फोन तो मेरे पास है इसका, और जोन सा मर्जी जिसको तू सोच रहा होगा ना बुला लियो बेटा, ठीक है? फोन तो डिलीट होंगी होंगी, और जितने तेरी दुकान में वो भी सारी डिलीट होंगी फोटो में, समझ गया? ठीक है भाई। और इसके अलावा कहीं रखी भी है? बैठ इधर, बैठ, बैठ इधर। इसके अलावा कहीं रखी हुई? नहीं, इसने बैकअप में जरूर रखा होगा, बैकअप में जरूर रखा होगा इसका। बैकअप तो मैं निकाल दूंगा बेटा, आप इसके साथ जाओ, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती, मैं दुकान पे जाना भी नहीं चाहती। शक्ल देख के कोई कहेगा ऐसा काम करता होगा ये? मैं इसे बहुत शरीफ समझती थी, पता नहीं कैसा इंसान है जो किसी लड़की की फीलिंग्स नहीं समझ सकता है। भगवान ने अच्छा खासा बनाया है, किसी लड़की की इतनी सी तेरी गलती है जिनके खराब हो सकती है, समझ रहा है? आप ये सोचो ना, मैं सुसाइड करने की सोच रही थी। अभी तू उस लड़की के सामने बड़ा चौड़ा हो रहा था ना कि मैं यहाँ पे डिलीट करने के लिए नहीं आया, तो भाई अब बोल ना, क्या हो गया? क्या हो गया? अब नहीं करूंगा भाई। बाबू बोल, क्या हो गया? नहीं करूंगा भाई। बोलो क्या हो गया, क्या हो गया? अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा भाई। माफी मांग, और आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। हाथ जोड़, हाथ जोड़। सॉरी। और पूरी दुकान चला दूंगा बेटा अगर ये वीडियो डिलीट नहीं, उसकी फोटो डिलीट नहीं हुई तो पूरी दुकान चला दूंगा मैं, तरस नहीं करूंगा तेरी शक्ल पे। और सामने लगा हुआ था हमारे कैमरा, देख ले भाई। नहीं, अब इसकी वीडियो वायरल करो, अब इसकी वीडियो, अब इसकी वीडियो वायरल करो, ताकि तो समझ जाए कि किसी और को कैसे वायरल करते हैं। शकल दिखा, साढ़े जुल्फीकार शकल दिखा अपनी वीडियो बन भाई, सामने देख। अब इस वीडियो को वायरल करना आप, ताकि सबको पता चले कि क्या करता है दुकान में। इसकी वीडियो वायरल, तेरी वीडियो वायरल करेंगे हम भाई, जो तू अपने दुकान में लड़कियों को बुला के ऐसे ऐसे काम करता है। अब ये तो एक तेरी बात सामने आ गई बहन, ये तो कितनी लड़कियों के साथ तूने यूज भी कर लिया होगा। नहीं, ये जब तक वायरल नहीं होगा ना, बाकी लड़कियां इंसाफ के लिए नहीं आगे आएंगी। अगर तू इतना गलत फायदा उठा सकता, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया होगा। इमेज तो तेरी खराब होगी भाई, मत होगी बहन। तू जब इतना बुरा काम कर रहा था, तब समझ नहीं आ रही थी इमेज की तुझे, तब समझ नहीं आ रही थी? मत करना भाई वो, मत है। नहीं, ये वीडियो तो वायरल करके रखना आप। ये अबला नारी है, इसका कुछ है नहीं, ये कुछ कर नहीं सकती, तो इसका फायदा उठाने जा रहा था तू? नहीं करूंगा, सारे मेरा भाई नहीं है इसलिए इतना ये बोल चौड़ा हो रहा था। चौध, सारी फोटो डिलीट कर दूंगा भाई, सारी फोटो डिलीट करेगा आज के बाद, तू ऐसा काम नहीं करेगा। साढ़े जाके कोई और काम ढूंढ लियो, अब मेरे पास मुझे भरोसा नहीं है तेरे ऊपर। अब ये भाई कर दे कैमरा बंद।